स्टूडेंट क्लास सेवन विषय बेटा आपका हिंदी व्याकरण और इस चैप्टर सीखना जो बेटा आपको पढ़ा रहा हूँ। इसको बेटा पेज संख्या देखें 12 और सबसे फर्स्ट जो टॉपिक बेटा दिया गया आयोग वह अंग बेटा अनुस्वार और अह विसर्ग आयोग वह ये ना तो स्वर है और ना व्यंजन ये आ के योग से बोले और लिखे जाते हैं। अनुस्वार इस ध्वनि का उच्चारण मा या ना के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह अंग है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है जैसे पंख संख अंक आदि। विसर्ग कॉलोन स्वर से परे जो दो बिंदियां लगाई जाती हैं वे विसर्ग कहलाती हैं। इनका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है जैसे नमः क्रमशः दुख आदि। इसका उच्चारण आधे हा के जैसा होता है। अनुनासिक चंद्रबिंदु अनुनासिकता वर्णों का एक गुण है। इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह अंग है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है जैसे हंस कांसा गूंद कुआरा आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। की संख्या में 35 हैं। व्यंजन के भेद व्यंजन के निम्नलिखित तीन भेद हैं स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। बेटा इन तीनों की डेफिनेशन दी गई है स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की। आप बेटा बुक्स से ही देखें और इसके आगे आगे देखें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 4 है। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जैसे का छ प्लस छ बेटा किससे मिलकर बनता है का और सा से मिलकर के बनता है। क्षणिक क्षण रक्षा ज्ञान सर्वज्ञ आज्ञा। इसी प्रकार देखो त्रिभुज त्रा त्रा किससे बनता है ता और राके पर संयोग से मिलकर बनता है। और ये दा देखें बेटा दा और या के संयोग से ये धा बनता है। विद्या विद्यार्थी जिसे दा करके पढ़ा जाता है विद्या। रक्त वक्ता ये देखो बेटा आधा का तक किससे मिलकर बनता है का पे हलंत और प्लस ता। क्या आधा का हलंत लगा के प्लस या क्या क्या क्योंकि इसी प्रकार बेटा देखें न्याय कन्या अन्य। द्वैत व्यंजन दो समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वैत व्यंजन कहलाते हैं जैसे